हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पब्लिक ओपिनियन में। तो गाइस देखो, अभी तक हमने मूवी को वहां तक देखा है जब वो श्रुति हसन को प्रभास बचा लेते हैं एंड उसके बाद जो उनकी माँ को पता चल जाता है, परमिशन मिल के तब वो फाइट वगैरह करते हैं एंड मूवी का जो फर्स्ट फाइट सीन है वही है। एंड उसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। उसके बाद उनकी माता जी को तो सब कुछ पता लग चुका है उसकी माँ को, एंड उसके बाद वो कैसे प्रॉब्लम वगैरह इससे डील करेंगी एंड श्रुति हसन कैसे बचेंगी आगे, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है मूवी में। तो उससे पहले यार, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को प्यार से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर। तो चलिए देख लेते हैं सीन लास्ट। ऊपर चक्के पैक करो, आज ही यहाँ से निकलना है। हाँ जी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सोचा ये लड़की आपके पास सेफ रहेगी, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं अपने और अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचूंगी। दूसरों के कमांडर वाला लुक है ना, ये सिर्फ इसी बंदे को जग सकता है भाई। Do you want to listen to his story? Yes. Part one, ceasefire. तो देखो यार, ये भाई सीन मजेदार लगा मेरे को एंड यार देखो, इस सीन में ना इतनी इंटेंसिटी थी, इतना कुछ रिवील हुआ इस सीन में अभी तक हमें। वो जो एक स्टैम्प लगाते हैं श्रुति हसन को, वो स्टैम्प का पता लगता है कि उसी स्टैम्प को बनाने वाला यही है, देवा ही है। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि हम सभी को एक खान सर जोड़ता है एंड खान सर से क्यों जुड़े हुए हैं ये सब वगैरह श्रुति हसन पूछती है उनसे क्वेश्चन वगैरह। तो बैकग्राउंड में फिर पृथ्वीराज की एंट्री होती है वहाँ पे, जब पता चलता है उन्हें कि सील को रोका गया है एंड उसके बाद वो जो डायलॉग डिलीवरी होती है एंड वो कहते हैं कि उसके बनाए हुए रूल, देवा के बनाए हुए रूल ही हैं, उसे मरना ही होगा एंड वगैरह वगैरह। आगे फिर वो भी रिवील करती हैं कि हमने ये सिचुएशन कैसे क्रिएट किया। वो देवा को फंसाना चाहती थी, दोनों की आपस में दोस्ती में फूट डालना चाहती थी, जबकि वो पहले से ही दुश्मन बने हुए हैं एक दूसरे के। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है क्या नहीं है ये सब तो आगे का सीन देखेंगे हम, तब पता चलेगा। तो चैनल भी नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यार से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। और इस मूवी के बारे में क्या प्लॉट वगैरह, अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो तो उन पे यार कुछ ओपिनियन वगैरह भी जरूर दिया करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।